प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने मोहरे तैनात करने पर लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी के सामने अपने नए गढ़ बुंदेलखंड के किले को बचाने की एक बड़ी चुनौती है। कभी यहां की सियासी जमीन पर बीजेपी के लिए सूखा पड़ा था, लेकिन आज बुंदेलखंड की सभी विधानसभा सीट पर कमल खिला हुआ है। हमारे सहयोगी रविकांत राय ने बुंदेलखंड के इलाकों का दौरा किया और ये समझना चाहा कि चुनाव को लेकर माहौल कैसा है और क्या असल मुद्दे हैं। देखिए टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर रविकांत राय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। बुंदेलखंड की सियासी हवा समय से कुछ पहले ही गर्म हो गई है। खींचतान बुंदेलखंड के दुर्ग पर राजनीतिक कब्जे का। पीएम ने महोबा में बड़ी रैली की, वादे दोहराए, विपक्ष ने छलावा बताया। सवाल यही है कि बुंदेलखंड की जनता क्या सोच रही है। हमारे सहयोगी रविकांत ने बुंदेलखंड में वोटरों का नब्ज टटोला, मुद्दों को समझा। ২০১৭ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बुंदेलखंड में जबरदस्त कामयाबी पाई। सभी 19 सीटों पर कमल खेला, जबकि 2012 के चुनाव में बीएसपी ने 7, एसपी ने 5, कांग्रेस ने 4 और बीजेपी के खाते में 3 सीटें आईं। पूरी रणनीति यही है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी की झोली में एक बार फिर बुंदेलखंड की सभी सीटें गिराएं, 2017 के चुनावी करिश्मे को दोहराया जा सके। लेकिन विपक्ष अपनी खोई जमीन को पाने के लिए गोलबंद है। 2017 के विधानसभा चुनाव में युवाओं ने बीजेपी को दिल खोलकर समर्थन किया था, तो हमारे सहयोगी रविकांत ने सियासी नब्ज टटोलते हुए युवाओं से बात की। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हर पॉलिटिकल पार्टी ये प्रयास करती है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को वो अपनी तरफ खींचे, क्योंकि युवाओं की भूमिका हर चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली जॉब आफ्टर क्या बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा पूरा हो जाएगा, तो फिर जॉब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी है। उसके बाद मोस्टली गवर्नमेंट वैकेंसीज, बाकी थोड़ा हम लोग का जो है वो है वैकेंसीज का इशू, वो अभी चीज़ हम लोग को क्लियर नहीं हो रही है कि वो सही तरीके से नहीं निकल रही। उनका बहुत बढ़िया काम रहा है, क्योंकि इसके पहले जो सरकार थी उसमें हम लोगों को बाहर निकलने में काफ़ी डर रहता था। अभी हम लोग फ्रीडम, बिल्कुल एकदम फ्री होके घूम सकते हैं, कितने भी टाइम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, इस वर्तमान सरकार में जो है ना विशेष कमी रोजगार की है। इसके पूर्व में जो सरकार रही उसमें रोजगार जो है एक कह सकते हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे तो नहीं था, लेकिन वर्तमान सरकार से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। युवा वोटरों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। छात्राओं के लिए शिक्षा और सुरक्षा दोनों महत्वपूर्ण है। कुछ ने महंगाई का मुद्दा उठाया, पुरानी सरकारों की उपेक्षा और मौजूदा सरकार की प्राथमिकता उनके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। ये है कि जो रूरल एरियाज हैं वो काफी डेवलप्ड हो गए पहले से, और वुमेन सेफ्टी भी हुई है, पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं। जो लोग बाकी हैं जिनके पास नहीं इतना इनकम है कि वो अपना मकान बनवा सके, उनको भी फायदा हुआ है। जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम कर रही है, पहले के अकॉर्डिंग अभी की गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। हाँ, बदलाव आया है, पहले से बेटर एजुकेशन है और अच्छा, मतलब इस टाइम पहले से अच्छा रहता। पहले एक जाति धर्म विशेष के प्रति सरकार का झुकाव रहता था, लेकिन अब मतलब ना जाति है ना धर्म है, सबके प्रति गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करती, सबके प्रति रिलैक्स है कि सब बच्चे पढ़े लिखे और नौकरी सबको बराबर मिलेगा। बुंदेलखंड को देश के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले इलाकों में गिना जाता है और यहाँ मानव विकास भी बेहद कम है। शिक्षा का स्तर कम होने के कारण यहाँ गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया। यही नहीं, इटावा से चित्रकूट तक बन रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए भी पार्टी ने बड़ी सौगात क्षेत्र को दी है। चित्रकूट में एयरपोर्ट से लेकर तमाम परियोजनाओं के जरिए बीजेपी विकास का दावा कर रही है। लोगों को उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे और विकास की परियोजनाओं से बड़ा परिवर्तन आएगा। डिफेंस कॉरिडोर बनने से इलाके में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड नाम की एक पीएसयू का भी कल आधारशिला झांसी में रखी गई है, तो आने वाले समय में विकास की दृष्टि से झांसी की संभावनाएं और चमकदार दिख रही हैं।
बेरोजगारी की वजह से बुंदेलखंड में पलायन दूसरी बड़ी समस्या है। बांदा, हमीरपुर, महोबा, टीकमगढ़ और पन्ना क्षेत्रों से ग्रामीण आबादी का महानगरों की ओर सर्वाधिक पलायन हुआ है। बेरोजगारी की मार से लगभग 60 लाख से ज्यादा घरों में लोग ताला डालकर बड़े शहरों का रुख कर चुके हैं। अगर रोजगार देने का बड़ा वादा पूरा हुआ तो इलाके में न सिर्फ पलायन रुकेगा बल्कि युवाओं की बड़ी मांग पूरी होगी। जाहिर है, जिस पार्टी के खाते में बुंदेलखंड के विकास को जमीन पर उतारने का श्रेय जाएगा वो बुंदेलखंड के रास्ते लखनऊ की गद्दी पर विराजेगा। झांसी से रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।